साल से? सर हम इस बिजनेस में काफी सालों से है सर। ओके तो काफी सालों से आप इस बिजनेस में है। जी तो आपकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है? जी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। ओके उसी वजह से आपको रिजनेबल प्राइस में बेस्ट क्वालिटी आपको मिलेगी। जी क्योंकि प्लस पॉइंट होता है सर एक मैन्युफैक्चरिंग, जी आउटसोर्सिंग करते हैं तो अपना थोड़ा मार्जिन रख के थोड़ा ऊपर बेचते हैं। जी मैन्युफैक्चरिंग में ये होता है अपनी छोटी सी मतलब जो कॉस्टिंग होती है उसमें छोटा सा अपना मार्जिन रखते हैं, जो अपना ठीक है थोड़ा छोटा सा प्रॉफिट तो उसी दाम पे बेचा जाता है, तभी प्राइस थोड़े रीजनेबल हो जाते हैं। उसमें व्यूअर्स को एक और बेनिफिट मिल जाएगा फैक्ट्री होने का। ओके, मतलब वो अपना रो भी आके चेक कर सकते हैं। ओके मतलब कुछ भी उनका बन रहा हो जी तो हर प्रोसेस बता सकते हो, क्या फ्रेम बन रहा है, क्या मटेरियल लग रहा है, क्या फैब्रिक लग रहा है? क्योंकि कवर्ड सोफे में सर बाद में क्या होता है फैब्रिक लग जाता है तो अंदर का पता नहीं रहता क्या लगा हुआ है उसमें, तो आके अपना रो भी चेक कर सकते हैं। ओके तो रो चेक कर सकते हैं। तो वीडियो फिर हम कहाँ से शुरू करें, क्या दिखा रहे हैं सबसे पहले? सोफा सेट दिखाएंगे सर। ओके कौन सा सोफा दिखा रहे हैं? हम इस सोफे से स्टार्टिंग करेंगे जो हमारा एल शेप सोफा है। ओके जी बताइए इसके बारे में। इसमें आप देखोगे यहाँ पे फ्रेम SS का दे रखा है ये। ओके और लेग भी सेम गोल्डन कलर के। ओके और हमने मतलब कुशन पे भी ये फैब्रिक गोल्डन का दे रखा है कॉम्बिनेशन का। ओके और इसमें ऑल ओवर जो फैब्रिक लगा हुआ है हमारा वो स्वेड लेदर है। स्वेड लेदर है जी, स्वेड प्लस लेदर। जी क्या बात है, जो कि लेदर लुक देता है। हाँ जी हाँ जी, मतलब इसका मेंटेनेंस मतलब इजी रहता है साफ सफाई के उससे। ओके इजी टू क्लीन है, आसानी से साफ हो जाता है। जी बिल्कुल ठीक है। तो इसमें आपका एल शेप है, उसमें टेबल और टू पफी आपकी इंक्लूड है ये। ओके जी। तो इसकी जो प्लीट्स है ये जो टफ्टिंग और क्विल्ट है ये हमारी ये क्विल्टिंग है। जी आप देखो यहाँ पे पूरा। जी वो बैठा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन में फिनिशिंग दिखाते हैं, क्या फिनिशिंग है इसकी क्विल्टिंग है ये देखिए। ये सारी मशीन से सिलाई करी हुई है जी। जो प्लीट्स होते हैं जो हीटेड होती है जो हाथ से करी जाती है उसमें कुछ कभी कभार होता है ढीलापन आ जाता है, ढीली हो जाती है, रिंकल्स आ जाते हैं। बिल्कुल सर। तो मशीन वाले में वो दिक्कत कभी नहीं आएगी? नहीं बिल्कुल जी सर। तो बताइए। ठीक है सर, वो डिपेंड करता है कौन से स्टेट में जाना है। अच्छा मतलब क्योंकि हर स्टेट का अलग रहता है अलग अलग चार्जेस, कहीं का ज्यादा भी होता है कहीं का कम भी होता है। बस ये सोफा है सर हमारा एल कॉर्नर में। ओके जो कि वर्साचे का लोगो लगा रहता है। ओके यहाँ पे आप देखेंगे काफी हैवी हो रखी है यहाँ पे फॉर्मिंग। हाँ जी और ये जो अपना फ्रेम है ये वुडन लुक देता है लेकिन ये फाइबर है। ओके तो वुडन लुक देता है पर ये फाइबर है, लकड़ी नहीं हमारी। जी बहुत बढ़िया। बाकी इसकी डायमेंशन जो है वो 9.5x7.5 है। ओके 7.5x7.5 9.5 तो ऐसे हमारी 9.5 होगी। उसमें सर एक प्लस पॉइंट और भी है। ओके ये जो आपकी सिंगल सीट है। ओके ये एडजस्टेबल है। ओके ये सिंगल सीट लूज है, डिटैचेबल है, ये हटा के कहीं भी लगा सकते हैं। कस्टमर का स्पेस राइट एंड लेफ्ट साइड जहाँ पे भी बड़ा है वहाँ पे उनको वो 9.5 फीट कहीं भी कर सकते हैं। ओके मतलब लेफ्ट एंड राइट किसी बार इतनी जगह नहीं है कि वो पूरा 9.5 फीट एक तरफ रख सके। जी तो ये जो छोटा पार्ट हमारा 20x22 इंच का मेरे ख्याल से इतना ही होगा। जी 21 इंच का, 21 इंच का जो हमारा पार्ट है उसको निकाल के कहीं और रख सकते हैं। हाँ और अपनी जगह के हिसाब से एल शेप बना सकते हो छोटा हिस्सा। हाँ, निकाल के जैसे यहाँ पे अपना 9.5 फीट है ये राइट में भी अपना हो सकता है। ओके राइट में भी बढ़ा सकते हैं हम। जी ठीक है। तो इसी के साथ ये पफीज है और टेबल और सर इस सोफे में मैं और दिखाना चाहूँगा आपको। इसमें आप सिलाई का काम देखो कितना हो रखा है। जी एकदम मस्त, एकदम सीधी। ये देखो इसकी कॉर्नर में भी काफी अच्छा डिजाइन दे रखा है हमने सिलाइयों का काम। मेन फिनिशिंग देगी सर, बात कर जाती है फिनिशिंग की। जी सर इसमें कुशन छोटे दे रखे हैं जो भी मैचिंग के। ओके और ये जो बैक है इसकी। हाँ जी ये भी काफी कंफर्टेबल है। ओके ये देखिए आप, ये हमारी सारी पॉलीफिल होगी इसमें। इसमें भी पॉलीफिल है, ये कुशन ही है एक तरह के। ओके ये लेकिन अटैच है। ओके अटैच है, कुछ लूज रख देते हैं फिर बच्चे होते हैं उठा के फेंकते हैं। वो कस्टमर की चॉइस है, अगर लूज मांगेंगे तो लूज भी मिल जाएंगे आपको। तो मेन बात आती है इसमें मटेरियल। जी चलो बाहर से सोफा दिखता है एकदम जबरदस्त, मेन अंदर क्या रहा है इसके अंदर? सर इसका जो स्ट्रक्चर है वो टोटली मरंडी का है। अच्छा मरंडी वुड में, इसमें मरंडी वुड यूज हो रखी है। और जो मतलब सीट है उसमें फेदर 40 अपनी फोम यूज हो रखी है। ओके फेदर 40 की हमारी 40 डेंसिटी की हमारी फोमिंग है फेदर की। फेदर ठीक है जी। और चलो आपने बता दिया कि इसमें मरंडी जो सबसे अच्छी लकड़ मानी जाती है फ्रेमिंग के लिए वो लगा रखी फुल कवर्ड में। सर टोटली मरंडी यूज होती है लेकिन उसमें कई सारे साइज आते हैं। ओके उसमें भी डिपेंड करता है कि मतलब सोफा मजबूत है या नहीं। तो कस्टमर आके चेक कर सकते हैं। आप कौन सी साइज की लगाते हैं? हाँ जी आप कौन सी साइज की लगाते हैं? अपना 1.5x और 3x मिक्स होके लगता है। ओके 1.5x और 3x मिक्स होके लगता है। ठीक है और फोमिंग हमारी फेदर है। फोमिंग फेदर है। जब फेदर का नाम आ गया, स्लीपर का नाम आ गया तो वारंटी इसमें जो यूज हो रखा है फैब्रिक ओके वो टोटली वेलवेट है। जी क्योंकि वेलवेट क्या होता है अपने कम्फर्ट और अपने रिच लुक के लिए जाना जाता है। जी वेलवेट में क्या होता है अपना सिंगल कलर आता है, उसमें टेक्सचर वगैरह नहीं होते। जी तभी तो आप ये हमारा एक और सोफा है एल शेप है जो ओके
ये हम ये चेस्टरफील्ड सोफा है आपका। ओके ओके, आप बैक देखोगे। ओके, इसके कुशन आप देखो, इस पे हमने एम्ब्रॉयडरी करवा रखी है पूरी। ओके ओके ओके, ये मतलब कस्टमाइजेशन हो रखा है जी। ठीक है, एम्ब्रॉयडरी मतलब अपना भी डिजाइन भी होता है। हां, उसमें काफी सारे ऑप्शन है अपने। ओके ओके, इसमें आप साइड का भी लुक दिखाओगे, वो काफी प्यारा है जी, जबरदस्त। मतलब इसमें ये फ्रिल वर्क, इसमें प्लीटेड हो रखी है जी जी, इसमें पफी में भी हो रखी है सेम मैचिंग की जी जी। और आप टेबल में देखोगे तो टेबल में भी मतलब सही है, मतलब ये कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन पूरा सेम है जी जी, एकदम मस्त। और इसमें एसएस की स्ट्रिप, ये एसएस की स्ट्रिप आ रखी है आपकी, उससे मैचिंग के हमने लेग लगा रखे। ओके 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 जी सर। तो इसकी डायमेंशन क्या रहती है इस वाले सोफे की? डायमेंशन सर 9x7 है। 9x7 की, वो हमारी 9.5x7.5 थी और ये हमारी 9x7 है हमारी जी। ठीक है, तो जो ये हमारे जो फ्रिल वर्क, ये हमारा काफ़ी पहले होता था, मतलब ओल्ड फैशन जिसको बोल सकते हैं, ओल्ड स्कूल स्टाइल बोल सकते हैं, ये पहले के ज़माने में करा जाता था, जो बीच में बंद हो गया, किसी को सबको ओल्ड फैशन लग गया, तो वापस पे हमारे ट्रेंड में आ रहे दोबारा। तो ये हमारा फ्रिल वाला, जिसमें हम प्लीट्स भी कह सकते हैं, यही सेम हर सोफे, मतलब हर तरफ देखिए, ये टेबल पर देखिए, पपीस पर देखिए, मतलब कोशिश कर रहे हैं। एक छोटा सा काम आप और देखोगे, इसमें वुडन वर्क भी हो रखा है साइड में, वुडन वर्क, और इस पे ये डेकोरेटिव नेल्स है जी। ठीक है, वो पहले हमारी फाइबर थी जी। ठीक है, तो ये हमारा चेस्टरफील्ड डिजाइन हो गया, मॉडर्न चेस्टरफील्ड हमारा जी सर। ठीक है, जैसा मर्जी कस्टमर बोले वैसा बिल्कुल हो जाएगा सर। डिजाइन आप यहाँ पे भी देख सकते हो, या आप अपना डिजाइन भी लाते हो तो वो भी हम प्रोवाइड करवा देते हैं। ठीक है, मतलब डिजाइन अगर किसी को यहाँ पसंद नहीं आता तो अपना डिजाइन लाइए जी, या नेट से निकाल के जैसे भी आपको अच्छा लगे, मतलब जैसा मर्जी डिजाइन कहीं से भी ले आए वैसा हो जाएगा जी। अब मतलब कस्टमाइजेशन आपको साइज में मिल जाएगा, डिजाइन में मिल जाएगा, फैब्रिक में मिल जाएगा, मटेरियल में भी मिल जाएगा जी सर। बिल्कुल। तो सर पहले तो मैं चाहूंगा आप इसका साइड से आर्म्स दिखाओ एक बार हमारे व्यूअर्स को, जो कि बहुत प्यारा है। इसमें ये जो वर्क है ये एसएस है अपना। ओके ओके, आजकल मतलब हमने सिर्फ स्ट्रिप्स देखी एसएस जी जी, इसमें पूरा एक शीट लगी हुई है। ये एसएस है, ये फैब्रिक है जो कि मैचिंग के लिए हमने लगा रखा है। ओके ओके, इसकी नीचे की बॉर्डर भी आप देखोगे ओके, तो बीडिंग सिलाई इसमें हमने करवा रखी है पूरी नीचे बॉर्डर में जी जी जी, और लेग इससे कॉम्बिनेशन के गोल्डन गोल्डन लगा रखे जी। ठीक है, मतलब गोल्डन वर्क इसमें भी हो गया, काफी अच्छा कॉम्बिनेशन ग्रीन और गोल्डन जी सर। आप इसके कुशन देखेंगे सर, कुशन भी पूरे मैचिंग के हैं, जिसमें गोल्डन स्ट्रिप दे रखी है। ओके ओके ओके, और साइड का ये पैटर्न देखो। ओके ओके, ये भी काफी प्यारा है जी, मतलब कुशन काफी यूनिक, काफी डिफरेंट डिजाइन दिखे। बिल्कुल सर, ये तो हर जगह सेम स्क्वायर रेक्टेंगल होते हैं जी, इसमें काफी अच्छे इसके बॉर्डर पे काम करा गया है। बिल्कुल सर, जबरदस्त। उसमें ये आप इसका कलर भी चेंज करवा सकते हो, इसमें ये गोल्डन लगा हुआ है इस टाइम, इसमें रोज गोल्ड सिल्वर आप अपने हिसाब से कुछ भी लगवा सकते हो। ओके ओके, मतलब जो ये गोल्डन वर्क देख रहे हैं आप, चाहे तो इसका कलर भी चेंज करवा सकते हैं, सिल्वर करवा लीजिए, रोज गोल्ड करवा लीजिए जी सर। जी सर, और इसकी आप कॉर्नर भी देखोगे। ओके ओके, इसमें पीछे स्टोन लगा रखे हमने। ओके ओके, क्या बात जी सर। अगर जो स्टोन ये कर रखे सिरोस्की के बोले जाते हैं मेरे ख्याल से जी, बटन, तो इसको अगर फैब्रिक वाले करवाए तो हाँ वो भी करवा सकते हो, फैब्रिक वाले कस्टमर की चॉइस है अपनी। क्योंकि सर मैं बताऊँ, इसका ना कलर इतना प्यारा लग रहा है ना, बस कैमरे में वो फील नहीं आ रही, जबरदस्त लग रहा है ना जी, मजेदार। इसमें भी सर अपना ये सिंगल सीट इसमें भी एडजस्टेबल है। ओके ओके, वही सेक्शनल सोफा हो गया हमारा जी सर। बिल्कुल, कि कहीं भी उठाकर रख सकते हैं इसको जी सर। जी सर, तो मेन बात आती है इसकी प्राइस, इतने मतलब इतना जबरदस्त, इतना डिजाइनर पीस है ये है सर। हम क्या है फैक्ट्री वाले, तो मतलब अपना क्वालिटी बेस्ट में, मार्जिन हमारा कम रहता है लेकिन क्वालिटी एकदम बेस्ट रहती है सर। मैं कह रहा क्वालिटी तो चलो रहती है, आजकल मतलब कुछ क्या होता है कि कुछ लोग डिजाइन के भी पैसे लेते हैं जी सर, वो अंदर नहीं बताते क्या लगा रहे हैं, पर डिजाइन कहते हैं कि डिजाइन इसका ये तो काम सही बात ज्यादा हो गया, तो उसके प्राइस बढ़ा देते जी। पर आपका इतना अच्छा डिजाइनर पीस और साथ साथ आप बता रहे हैं कि फेदर फोम इसमें आप लगा रहे हैं। बिल्कुल सर, तो उस हिसाब से प्राइस मैं कह रहा हूँ सर बहुत ही रीजनेबल है, मतलब कोई भी आपके पास आएगा ना तो सोफा आपसे लेकर ही जाएगा। हम तो चाहते हैं सर हमारे पास जितने व्यूवर्स हमसे देखे वो हमसे जुड़े जी जी। तो आपने बताया आपकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग जी सर, तो अभी कोशिश करेंगे आप फैक्ट्री भी चलेंगे वो भी दिखाएंगे। बिल्कुल सर, तो कुछ लोग होते हैं कि 6000 पर शीट भी नहीं ले पाते, उनके लिए क्या कर सकते हैं आप? उनके लिए सर ये है 5000 से अपना स्टार्टिंग। अच्छा, जो अपना 5000 पर शीट आपने दिखाया था जी जी, वो जो कॉर्नर हमारा पड़ा है 5000 पर शीट है, उसमें ये प्राइस अपने एक मतलब प्राइस है वो एक रेंज तक है, हम उससे नीचे अगर जाते हैं तो फिर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, वो हम करते नहीं। ओके ओके, तो मतलब यही चीज अच्छी होती है, कुछ लोग होते हैं कि यार आप 5000 भी ले पाते, चलो हम 3000-4000। बिल्कुल सर, तो क्या उसमें क्या होता है, वो क्वालिटी गिरा जाते हैं जी सर। अब जो अगले ने किसी ने मेहनत से पैसे खर्चे होते हैं 3000-4000 रुपए पर शीट दे के, पर उनकी चीज वो 6 महीने भी नहीं चलते ना, तो काफी दुखता है सर। इसलिए हम सर जो डील करते हैं
वो अच्छे मटेरियल में करते हैं, लो मटेरियल में हम डील करते ही नहीं है। ओके ओके, ये वही चीज होती है ना, अपने कस्टमर खराब करने वाली बात होती है, जो एक बार आया दोबारा नहीं आएगा। जी सर, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि एक कस्टमर को पसंद आया और अच्छी चीज मिली तो आगे रेफर ही करेगा वो आपको। सर हमारे पास ज्यादातर कस्टमर रेफरेंस ही आते हैं। ओके ओके, मतलब आप अच्छी चीज दोगे सर ऑब्वियस है कि बिल्कुल रेफर करेंगे लोग आपकी मैन्युफैक्चरिंग का, तभी आपने इतना सस्ता प्राइस दे दिया। बिल्कुल, तो फैक्ट्री भी अभी चले गए। और हमारा एल कॉर्नर सोफा है। ओके ओके ओके, ये भी चेस्टर फीड है अपना। ओके, ये हमने कंट्रास्ट में बना रखा है। ओके ओके ओके, ग्रीन और व्हाइट का। ओके ओके, इसमें आप जगह जगह ये सीटिंग पे भी देखेंगे, यहाँ पे भी हमने कंट्रास्ट दे रखा है। जी जी, कॉर्नर में देखो। जी जी, इसका डिजाइन काफी अच्छा लगा मेरे को सर। जी सर, ये काफी हैवी सोफा है। ओके ओके, इसका आप आर्म्स भी देखोगे। ओके ओके, तो काफी हैवी है। जी जी, इसमें भी हमने कॉम्बिनेशन दे रखा है आर्म्स में भी। यस यस यस, मतलब इसका डिजाइन मेरे को काफी पसंद आया। जी सर, इसमें छोटे छोटी चीजों का ध्यान रखा गया है, जैसे पफी में आप देखोगे नीचे बॉर्डर में, और इसकी सेंटर टेबल भी आप देखोगे तो उसमें भी आपको कंट्रास्ट मिलेगा। मैचिंग लगनी चाहिए कि ये चीज सोफे के साथ की ही है। बिल्कुल सर, अलग नहीं उनसे। जी, और अगर आप अपने रूम के कलर थीम के हिसाब से इस डिजाइन में सोफा बनवाएंगे ना, बिल्कुल मतलब छा जाएगा। मतलब क्या इसके कुशन भी देखो। जी जी, ये भी कंट्रास्ट में जो काफी डिफरेंट है कुशन। जी जी, होता क्या है सिंगल फैब्रिक में बना देते लोग कुशन, लेकिन हमने इस पे वर्क कर रखा है। ओके ओके ओके, जैसे ऑल ओवर सोफे में कंट्रास्ट है, वैसे कुशन में भी कंट्रास्ट है। इसका आप नीचे का बेस भी दिखाओगे तो इसका बेस पूरा वुडन का है। ओके ओके ओके, खाली लेग नहीं है, पूरा बेस जा रहा है वुडन का। ओके, पूरी जो कि सेंटर टेबल में भी है और पफी में भी है आपके। ओके, हर जगह ये मिल जाएगी चौकी। जी सर, तो सागवान की चौकी हमारी। बिल्कुल सर, ठीक है। तो मतलब इसका आम मेरे को काफी पसंद आया, तो और जैसे कि बताया सर ने कस्टमाइजेशन, तो जैसे बोलेगे वैसा हो जाएगा। हाँ, आप अपने घर के हिसाब से बताइए आपका कितना साइज है, कितना गेट है, उस हिसाब से आपका सोफा बन जाएगा। ये हमारा एक और सोफा सर एल कॉर्नर में। ओके ओके, जो कि इस काफी हैवी है ये सोफा भी आपका। ओके, इसके साथ आपका पफी ना होकर के इसके साथ डिवाइडर दे रखा है हमने। ओके 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 ओके, और ये आप देखेंगे इसके आर्म्स पे, ये भी आपकी फाइबर है, लेकिन ये वुडन लुक देती है आपको पूरा। ओके ओके ओके, और इसके आप कुशन देखेंगे जी, तो हमने प्रिंट लगा रखा है, लेकिन टू साइड है। ओके, एक साइड दूसरा प्रिंट है और एक साइड दूसरा प्रिंट है। ओके, तो मतलब जिसकी हमने बात करते हैं कि चेस्टरफील्ड, ये इसमें बोला था कि आर्म्स पे क्विल्ट हो जाए, वो चेस्टरफील्ड वाला। जी, ये वही वाले हो गया मेरे ख्याल से। जी सर, आर्म्स पे इसके चेस्टर दे रखा है हमने पूरा, और इसका बेस भी जो है वो पूरा, इसका बेस भी पूरा वुडन का। ओके 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 जी सर, तो सीट पे हमारा वही स्टिचिंग हो रखी है। बिल्कुल सर, सिंगल सीट इसमें भी एडजस्टेबल है, वो सेक्शनल सोफा है। जी सर, और फैब्रिक इसमें स्वेड लेदर लग रखा है अपना। ओके ओके, वही जो आपने पहले सबसे पहले लगाया था इसमें स्वेड लेदर। जी सर, वैसे ही सेम फैब्रिक इसमें लगा। फैब्रिक में सर ये है, मतलब फैब्रिक के काफी ऑप्शन है उसमें। okay, कस्टमर okay. मतलब कोई भी किसी भी सोफे में कोई भी फैब्रिक लगा सकता है। ओके okay, okay, मतलब जैसा मर्जी फैब्रिक, जिस मर्जी कलर का लगवा सकते हैं। बिल्कुल सर, प्राइस वही सेम रहेगा सबके। प्राइस ये है, जैसे ऊपर क्वालिटी में जाते हैं तो उसका फैब्रिक का थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। ओके okay, ओके okay, मतलब जो आप पहले ऑप्शंस देंगे अगर उसमें पसंद आता है ठीक है, अगर वो कुछ कहते हैं कि मेरे को कुछ इंचों पर चाहिए तो इससे भी बेटर चाहिए तो उसमें डिफरेंस आता है। ठीक है ठीक है ठीक है सर, बताइए। ये हमारा एक और सोफा है सर, बिल्कुल जो कस्टमर मतलब थोड़ी बहुत कार्विंग में जाना चाहते हैं ये उनके लिए बेस्ट सोफा है। ओके okay. इसमें आप आगे इसका आर्म्स दिखाओगे। जी जी जी, ये कार्विंग में पूरा, लेकिन ये फाइबर है पूरी अपना। ओके okay, ओके okay, ये भी फाइबर है हमारी। बिल्कुल सर, फिनिशिंग काफी अच्छी लग रही है फाइबर इसका में। ये बड़ा फाइबर आर्म्स देखिए आप, नीचे भी सर एक छोटा सा फाइबर का वो है। जी 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 जी, ये लगा हमारा जी, और ऊपर आपका ताज। ओके okay, ये भी फाइबर हमारा। बिल्कुल सर, फाइबर में क्या होता है हमारी थोड़ी कॉस्ट कटिंग हो जाती है, सोफा थोड़ा सागवान मेरे ख्याल से बढ़ जाती है, तो इसलिए कॉस्ट कटिंग के लिए फाइबर लगाया जाता है वही सेम लुक देने के लिए। इसमें सर बाकी आपका जो फोमिंग है वो काफी हैवी हो रखी है इसमें। जी, पीछे जी, 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 जी। देखेंगे आर्म्स का डिजाइन भी देखिए, हमने प्लेन के ऊपर एक चेस्टर डिजाइन दे रखा है हमने। ओके ओके ओके, और आप इसकी बैक भी देखेंगे जी, तो हमने हाफ अपनी प्लेन दे रखी है और हाफ चेस्टर में दे रखी है हमने। ओके ओके, इस पे आपके क्वेश्चन आ जाते। ये भी डिजाइन काफी अच्छा, काफी यूनिक है काफी। बिल्कुल सर, क्योंकि ये जो है मेरे ख्याल से पहले अलग से फैब्रिक लगाया, अलग से कपड़े पे स्टिच करके अलग से लगा रखा है सर स्टिच करके। इसकी आप टेबल भी देखोगे तो पूरी चेस्टर में मस्त है, मस्त एकदम बढ़िया। ये भी काफी अच्छा है, मतलब इसका ये ऊपर का सर, ये टेबल आपकी 3x3 की है हर सोफे में। ओके ओके, इसके ऊपर 12mm का अपना ग्लास आ जाता है। ओके ओके ओके, तो वही सेम क्विल्ट हमने इस पे भी दे रखी है हमने पफीस पे। जी सर, प्लस टेबल प्लस सोफे पे, तो चलो है ही। बिल्कुल सर, तो अब मेन बात आती है इसकी प्राइस की, क्योंकि मेरे ख्याल से जो कार्विंग वाला होता है सोफा उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा। आपके प्राइस बहुत ही अच्छे रीजनेबल, चलो ऐसा अच्छा है,
हर कोई नहीं होता कि इतना छोटे मार्जिन में काम करता है। रीजनेबल में भी है, क्वालिटी आपकी वही है, ये नहीं है कि प्राइस कम है तो क्वालिटी आपकी कम हो गई। जी जी, मैंने सर बहुत ही कम बंदे देखे जो काफी छोटे मार्जिन पे काम करते हैं, बिल्कुल उनमें से एक आप है। तो ये हमारा इस सर को व्हाट्सएप करिए, जो भी आपको पसंद आ रहा है उसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर इनमें से कोई पसंद नहीं आ रहा तो सर को बोलिए सर डिजाइन देंगे, अगर सर के डिजाइन में भी पसंद नहीं आता तो अपने कोई डिजाइन है वो भी दीजिए, बिल्कुल वही बन जाएगा, वो भी बन जाएगा, जैसा कस्टमाइजेशन बोलेंगे वैसा हो जाएगा। तो अब सर ने मेरे ख्याल से डिस्प्ले के सारे आपने प्रोडक्ट सिखा दिए अपने, बिल्कुल सर, चले फैक्ट्री चले, बिल्कुल ठीक है सर चलते। तो ये है भैया की फैक्ट्री जहाँ भैया के सारे सोफे रेडी होते हैं। जी सर, बिल्कुल सर। तो अभी ये जो सोफे रेडी हो रहे हैं ये क्लाइंट्स की ऑन ऑर्डर, ये ऑर्डर के रेडी हो रहे हैं कस्टमर, कस्टमाइज्ड है। तो एक बार बता सकते हैं मटेरियल, दिखा सकते हैं सब कह रहे थे हमने बताया था जैसे आप फेदर लगाते हैं, बिल्कुल सर, तो उनका दिखा सकते हैं मटेरियल। ये सर फेदर फॉर्म है हमारी, ओके, ये 32 डेंसिटी है, ओके 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 ओके, इस पर पूरी स्टंप पंच हो रखी है आपकी, ओके 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 ओके, ये अपनी फेदर 40 है, ओके ये 40 डेंसिटी होगी हमारी फेदर की, ठीक है। 32 और 40 में ये डिफरेंस होता है, ये थोड़ी सॉफ्ट होती है, ओके 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 ओके, 32 ओके ओके, ये 40 अपनी हार्ड होती है, ओके ओके। लाइफ दोनों की सेम रहती है? लाइफ दोनों की सेम है, उसमें क्या है कस्टमर ये भी लगवा सकते हैं 32, अगर सॉफ्ट चाहिए हार्ड चाहिए तो 40। लाइफ मेरे ख्याल से 1-8 साल का फर्क होता है इनमें, लाइफ 2 साल का फर्क, 2 साल का फर्क होता है, क्योंकि किसी को शुरू से ही सॉफ्ट चाहिए तो वाले 32 डेंसिटी लगवा ले, बिल्कुल सर, और कोई कहते हैं कि मेरे को एकदम हार्ड चाहिए, कुछ बुजुर्ग होते हैं जिनसे सोफे पे बैठते सॉफ्ट होता है अंदर दब जाता है, बिल्कुल उनसे खड़ा नहीं हो जाता, तो हार्ड होने के लिए लगाए जाते हैं बुजुर्ग के लिए। जी सर, ठीक है। तो आपने जैसे दिखाया ये आपका फोम लगाते हैं, तो ये आपके पीछे मेरे ख्याल से फ्रेम हो गया आपके सोफे के, ठीक है। तो एक ये प्यारा सा बहुत प्यारा कलर मेरे को दिख रहा है आपके पीछे ही सोफा रखा हुआ, एक बार दिखा सकते हैं वाला? देखिए अभी हमारा कंप्लीट नहीं है पूरा, अभी इसमें लैग लगने हैं अपने, ओके ओके। इसका आर्म साफ दिखाओ एक बार, वही हमारा जो है गोल्डन कलर की जो पाइपिंग इसमें हो रखी है। जी, इसमें लैग भी गोल्डन आएंगे अपने। तो इसके साथ ये पुराना एल शेप सोफा है हमारा, ये पूरा कंप्लीट सेट है एल शेप, ओके। तो इस पे आइस ब्लू कलर लगा हुआ मेरे ख्याल से, अभी जी सर फैब्रिक लगा हुआ है वेलवेट हमारा, मतलब जो देखने में सुंदर जो सामने लग रहा है ना वो कैमरे में नहीं लग, क्योंकि वाकई में रियल में बहुत सुंदर लग रहा है। जी, ये भी वेलवेट है फैब्रिक अपना, ओके। तो इसका क्या प्राइस रहता है? डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सिंपल एंड सोवर है, जबरदस्त। बस क्या है इसकी अगर कंप्लीट फोटो मांगेंगे तो उनको व्हाट्सएप पे वो मिल जाएगी, ओके ओके। अभी है आपके पास? ये देखिए सर, यही हमारा सोफा, ये 322 में हमने रेडी करवाया था, ओके ओके। ये सेम डिजाइन है जी, ये 322 है, ये आपका एल कॉर्नर है, ओके ओके। मतलब कि उनकी पर डिमांड थी, रिक्वायरमेंट थी, हमने वो कस्टमाइज कर दिया, वो 322 को आपने एल शेप में कन्वर्ट कर दिया, क्या बात है, जबरदस्त, बिल्कुल। तो मतलब आपने अब सर की फैक्ट्री भी देख ली कि यहाँ काम हो रहा है, क्या मटेरियल लग रहा है, ठीक है। और सर के प्राइस मार्केट से काफ़ी रीजनेबल है, क्वालिटी प्लस रीजनेबल, और साथ साथ सर अब हर फर्नीचर पे हर सोफे 5 ईयर्स वारंटी दे रहे हैं, बिल्कुल।